स्टूडेंट्स, अध्याय 6 में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को खुद से बनाने को दिया था, और मैंने लास्ट क्लासेस में कह दिया था कि बोर्ड में जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने करवा दिया है, राइट। तो अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को बुक से ही बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको बिना देखे बुक से आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बोर्ड में टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है पिक्चर, लेकिन बुक वाला देखोगे तो सही सही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कुछ ब्लू कलर के टिक्स जिस क्वेश्चंस में लगे हुए हैं, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को खुद से बनाने के लिए दिया था, राइट। तो ये सब आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस क्लासेस में कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और फिर मैं, ये हमारा लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ये है अभ्यास प्रश्नावली। जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों को खुद से बनाने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट्स दूंगी, और आप लोगों को कुछ हिंट्स देने के बाद आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों को कैसे बनाना है। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ही बनाओगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है अभ्यास वाले में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों को खुद से ही बनानी होती है, इसमें आप लोगों को किसी की हेल्प नहीं लेनी होती। क्योंकि जितने हार्ड क्वेश्चंस थे, जो भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से भी मैं कुछ छाट के आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी जो मुझे टफ लगेगा, जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो, तो फर्स्ट वाला इतना इजी आप लोग खुद से कर सकते हो। पहले तो आप लोग, ये है प्रश्न चित्र, ये चार है हमारा उत्तर चित्र यानी कि ऑप्शंस। तो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है प्रश्न चित्र में, इसमें कौन सा शेप बन रहा है, अच्छे से ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा इसमें क्या बन रहा है। एक सर्कल बन रहा है, सर्कल को आप एक तो काम कर सकते हो, सर्कल बना लो पेज में, एक सर्कल बना लो, ये वाला डिज़ाइन बना लो, और जो आपका ये डिज़ाइन बना है उसको आप ढक दो या कटिंग करके निकाल दो, ठीक है। कटिंग करके निकाल दोगे तो आपका किस तरह का डिज़ाइन निकलेगा वो आपको बताएगा कि इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है खुद से करना होगा, लेकिन खुद से करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी से पूछोगे, आप लोग खुद से ही करोगे, ठीक है, बिना किसी के हेल्प के। आप एक जगह से हेल्प ले सकते हो कि मेरे क्लासेस को वापस से देख लो, जो वीडियो है उससे आप लोगों को हिंट मिल जाएगा, राइट। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और दिख रहा होगा इसका पिक्चर, ठीक है। तो अब इस पिक्चर, ये पिक्चर है हमारा, ये हमारा चार ऑप्शंस। तो ये जो कटिंग है पेपर का, इन चारों में से किसका कटिंग है, यहाँ पे ये आ गया है। तो कौन सा आपको लग रहा है कि किसका कटिंग, इस तरह का कटिंग किस में से निकल सकता है, एक सर्कल में से ही निकल सकता है, राइट। तो एक सर्कल में से ही निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर में एक सर्कल दिख रहा है, उस जो कटिंग आपको दिख रहा है इसमें से इस ये वाला कटिंग निकल जाएगा, तो इसी तरह पिक्चर बचेगा, यानी कि इस नंबर का आंसर कौन सा हो सकता है, थर्ड नंबर, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसमें एक क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है एक सर्कल। तो अभी इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किया हुआ है सारा, उन सारे क्वेश्चंस में क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। अब हमारा आ गया है सर्कल वाले क्वेश्चंस, जो हम लोगों ने नहीं किया है, मतलब एक दो क्वेश्चंस से हम लोगों को मिला उनमें से जिसमें सर्कल शेप बन रहा होगा, लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं इनमें से सब में सर्कल ही बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो घर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। तो हम आ गए हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में चलो मैं सॉल्व करते हैं हम लोग एक बुक कॉपी में। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो जो पिक्चर हम लोग को, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा शेप बन रहा है, सर्कल बन रहा है। अब जो डिज़ाइन है दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, तो मेरा सर्कल बड़ा है इसलिए मैंने डिज़ाइन भी बड़ा काटा है, इसमें छोटा सर्कल है डिज़ाइन, लेकिन डिज़ाइन तो अलग सेम ही निकलेगा। अब हमारा कैसा डिज़ाइन निकला, इस तरफ कैसा डिज़ाइन निकला, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो ये जो है हमारा निकला है बनके। अब देख लो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है या नहीं, इस तरह से देखो लो आप लोग ध्यान से, ये थर्ड नंबर का है ना, इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा होगा। तो फर्स्ट नंबर वाला जो है हमारा ऑप्शन है, राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, आप लोग भी सेम टू सेम एक सर्कल बनाओगे जैसे मैं बना रही हूँ। एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने। अब जैसा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया हम लोगों को कटिंग करने को, वैसा सेम टू सेम ये डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों को ये वाला पार्ट दिया गया है और ये पार्ट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे है चार ऑप्शंस, अब आप लोगों को दिख रहा होगा चार ऑप्शंस। तो कौन सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे डालेंगे तो ये फिट एक सर्कल बन जाएगा। तो फोर नंबर वाला ऑप्शन है जो इसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे तो एक टोटल सर्कल बन जाएगा। तो वो हम लोगों को कैसे पता चला, तो हम लोगों ने बना लिया एक सर्कल, या फिर आप एक सर्कल पेपर ले लो, सर्कल पेपर में जैसा डिज़ाइन यहाँ पे कट किया गया वैसा डिज़ाइन कट कर लो, ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा, दूसरा पार्ट भी आपके पास आएगा जो आपने कट किया है, उसको मिला करके देख लोगे, राइट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी एक सर्कल बन रहा है, सेम टू सेम आप लोग सर्कल बनाओगे, सर्कल में जैसा कटिंग यहाँ पे करा गया है सेम टू सेम डिज़ाइन बना लोगे, कटिंग कर लोगे और फिर आप लोग मिला के देख लेना। चार ऑप्शन में से आप लोग को चार ऑप्शन दिया गया, जो भी ऑप्शन आपको लगेगा कि मैच कर रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ईजी है, इसमें भी एक सर्कल बन रहा है। देखो एक सर्कल में से हम ये वाला भाग निकाल देंगे, तो ये भाग हम लोगों को दिया गया है ऑलरेडी, ये वाला भाग हम लोगों को नहीं दिया गया है। इतना इजी क्वेश्चन है तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कौन सा हम लोग इसको यहाँ पे डालेंगे कि फिट बैठ जाएगा। ये और ये सेम लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसके जो बेस में है वो सीधा लाइन दिया गया है, यानी कि इस तरह से दिया गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, कर्वी लाइन चाहिए, कर्व, क्योंकि सर्कल हमेशा कर्वी होता है, मतलब कर्व होता है, गोल होता है ना। तो ये जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है सेवन नंबर का, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। फर्स्ट क्लासेस में हम लोगों ने, फर्स्ट ही क्लासेस में इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस को सारे, तो आप लोग पहले क्लासेस को देख लेना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। देन सेकेंड नंबर एट नंबर में सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें भी एक सर्कल बन रहा है, तो चलो बना के देख लेते हैं इसको भी। हम लोग सर्कल बना लिया हम लोगों ने, अब जो डिज़ाइन हम लोगों को दिया गया है वो हम लोगों को कट कर लेना है। तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है, राइट। ये पार्ट हम लोगों को नहीं दिया गया, तो ये पार्ट हम लोग अलग से बना लेते हैं। चलो तो ये पार्ट हम लोगों को नहीं दिया गया है। अब आप देख लेते हैं चार ऑप्शन में से कि हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा मैच कर, यानी कि इस पार्ट को अगर हम यहाँ पे लाके रख देंगे तो हमारा टोटल सर्कल बन जाएगा कि नहीं, एक सर्कल बन जाएगा। तो वही हम लोगों को करना है कि कटिंग पार्ट को लाके रख देना है ताकि वो सर्कल बने, लेकिन कौन सा कटिंग पार्ट उसको रखेंगे तभी वो प्योर सर्कल बनेगा, वही हम लोगों को चुनना है, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कम्प्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, तो मैं बस हिंट्स दे देती हूँ, आप लोग कर लेना। इसमें भी एक सर्कल शेप बन रहा है, सर्कल आप लोग भी एक सर्कल बनाओगे, जैसे कि आप लोग फिर से एक सर्कल बनाओगे एंड जो डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है उसको आप लोग ड्रॉ करना, जिस तरह से टोटल सेम टू सेम करना ड्रॉ जैसा दिया गया, ठीक है। तो इस पार्ट वाला हमारा दिया गया है, तो अगर आप पेंसिल से कर रहे हो ड्रॉ तो पेंसिल से करो ड्रॉ,
और फिर जो ये पार्ट हमारा दे दिया ऑलरेडी प्रश्न चित्र में उसको मिटा दो, ठीक है। उसके बाद जो इस पार्ट वाला हमारा पिक्चर बच जाएगा ना, उसको हम लोगों को मिला के देख लेना है इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, अगेन ये सेम टू सेम क्वेश्चन है तो ये भी आप लोग कर लेना। देन आ जाता है हमारा 11 नंबर वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रायंगल बनना। तो 11 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बन रहा है, कौन सा शेप बन रहा है, ट्रायंगल बन। ट्रायंगल कैसे बन रहा है तो आप लोग को इजीली दिख रहा होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तो पूरा पार्ट यहाँ पे दिया, बस इस पार्ट को छोड़ के। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी इस तरह से हम जब दे देंगे तो एक ट्रायंगल ही बनेगा। अब आ जाते हैं पूरे क्वेश्चन पे। तो ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच से एक लाइन दिया गया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे हम लोग भी लाइन दे देते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर से एक लाइन दिया गया है, तो चलो हम लोग भी यहाँ पे ऊपर से एक लाइन दे देते हैं, दे दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ से एक लाइन दिया गया है तो यहाँ से भी देंगे, है कि नहीं। अगर वहाँ से दिया है तो यहाँ से भी देंगे। अब यहाँ पे ब्लैक किया गया है हाफ में, तो इसको फुल में ब्लैक करेंगे, यानी कि यहाँ भी ब्लैक होगा और यहाँ भी ब्लैक होगा। तो पता चल गया कि नहीं हमारा ये वाला पार्ट, हम लोगों को पता चल गया। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोगों ने बना लिया इस वाले पार्ट को अलग से। तो कौन सा मैच कर रहा है आपका, ध्यान से देखो, ये वाला पिक्चर को ध्यान से देखना है, कौन सा वाले से मैच कर रहा है आपका। तो सेकंड नंबर वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो ये पिक्चर को मिलाओ और ये पिक्चर को मिलाओ, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा ना, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देन अगेन 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया है लास्ट क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। और नहीं तो मैं फिर से आपको एक बार हिंट दे दूंगी ज़रूर इस क्वेश्चन को बनाने का। तो इसमें भी क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है इसमें से, और इसमें से डिज़ाइन जो कटिंग किया गया है इस तरह से, देन इस तरह से, देन इस तरह से कटिंग किया गया, और ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये निकला है इस तरह से निकलेगा, राइट। जब कटिंग होगा तो इस तरह से निकलेगा ये वाला पार्ट। पेंसिल से अगर बना रहे हो तो जो पार्ट हम लोगों का दिया गया उसको आप लोग मिटा लेना, ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट निकल जाएगा, तो दूसरा पार्ट हमारा इस तरह से निकलेगा। अब आप लोग मिला के देख लो कि आप लोग को चार ऑप्शन में से दिया गया है यानी इस तरह से पार्ट, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर। तो 13 नंबर में अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है, किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में देखो इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट जो है यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दिया गया, तो ये पार्ट जो है कटिंग कर दिया गया है, तो ये पार्ट हम लोग का दिया गया, तो इस पार्ट को हम लोग ऐसे ढक देते हैं, ये पार्ट हमारा एक टोटल ट्रायंगल बन रहा है। अब देख लो ऑप्शन में कि आप लोग को एक ट्रायंगल दिया गया है ना छोटा सा, तो 4 नंबर वाले ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगेन 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है, तो किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है भाई, तो देखो इस तरह से दिया गया, यानी कि यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा, तो इस तरह से सिंपल सा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन जो है इसको यहाँ पे लगा देंगे तो एक टोटल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देन 15 नंबर में अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है, वो किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, चलो फिर से बना के देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है।
तो इसमें अगर इस तरह से बन रहा है तो इसमें किस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला पार्ट दिया गया, तो पेंसिल से बना दो, तो इस वाले पार्ट को मिटा दो, हमारा कैसा पार्ट निकल गया, इस तरह से आप देख लो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है यानी। तो थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर है, देखो दिया गया है ना, इस पार्ट को सिर्फ देखना है, इस पार्ट को ढक देते चलो, इस पार्ट को देखना है, तो आप लोग को थर्ड नंबर में दिया गया है या नहीं, तो ये देखो राइट आंसर है। अगेन हम लोग को 60 नंबर में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आप लोग खुद से बना लो बना सकती हो, ठीक है, ध्यान से देखोगे बन जाएगा, बहुत ही इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देन इसमें भी एक ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग पेज में ड्रॉ कर लो या फिर आप लोग कटिंग कर लो, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल में से हम लोग इस तरह से कटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये पार्ट निकल रहा है वो बना लेते हैं हम लोग, तो इस तरह से हमारा आ गया। अब देख लो आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, तो कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है आप लोग ध्यान से देखो, तो फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन में राइट आंसर दिया गया, को टिक कर दो। अब मैं आप चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को दे दूँ कि आप लोग खुद से बना लो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चंस सारे सिंपल है, ट्रायंगल और सर्कल हम लोगों ने नहीं किया था ज़्यादा क्वेश्चन, तो वो भी इस क्लासेस में कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल का सेम टू सेम अगेन तीनों जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला 17 नंबर हम लोगों ने किया अभी, और जो 18, 19, 20 दिख रहा है तीनों सेम टू सेम है तीनों ने, बल्कि 17, 18, 19 एंड 20 फोर क्वेश्चन जो एकदम सेम टू सेम है, तो ध्यान से देखो और जैसे जैसे कटिंग किया गया सेम टू सेम करो और बना लो, ठीक है। 21 नंबर में अगेन क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में तो आप लोग आई थिंक कन्फ्यूज नहीं ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सारे क्वेश्चन धीरे धीरे से दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद से करना, ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले आप लोग को खुद से करना है, यहाँ तक नहीं बल्कि अभी जितने क्वेश्चन से मैं आपको सारा शो करूँगी सब आपको ही करना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि जितने हार्ड क्वेश्चंस थे ना हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब आप लोग खुद से बना सकती हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड में बताने लग गए ना तो बहुत ही आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट होता है 27 नंबर से, ध्यान से पिक्चर देख लो, ये अगेन ये यहाँ ये आप लोग को बनाना है, मैं एक बार ध्यान से आप लोग को दिखा दे रही हूँ सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे से, देख लो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को खुद से करने हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा 37 नंबर से, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने, इसमें जितने भी शेप्स बन रहे हैं ना सारे स्क्वायर है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है सर, क्योंकि जितने भी स्क्वायर वाले क्वेश्चंस थे ना हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक एक करके फिर से दिखा दे रही हूँ, मैं आपको स्लोली दिखा रही हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है।
आप लोग को खुद से बनाने हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने टिक कर दिया है आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास था अध्याय 6 पे, जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। और मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिखाया है वो आपको खुद से बनाना है बिना किसी के हेल्प के। आप हेल्प ले सकते हो, मेरी क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, और नहीं समझ आ रहा तो आप पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो, अपने मम्मी पापा से, ठीक है। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन मैं बस इसलिए कहती हूँ आप लोग खुद से करें क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने दिखा दिए आप लोग को खुद से करने के लिए। आई होप आप लोग करोगे और आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये क्लासेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है अध्याय 7, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्लासेस में उसके बारे में भी मैं पूरे डिटेल से आप लोग को सारे एक एक करके समझाऊंगी। आप लोग क्लासेस स्टार्टिंग से देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू।